अस्सलाम वालेकुम। सो हमने जो है प्रीवियस जो वीडियोस की थी उसमें क्या किया था, हमने क्यों बनाया था विद द हेल्प ऑफ एरे। जो एरे है उसका हमने साइज डिक्लेयर करते हैं और जितना भी डेटा होता है वो उसको इंसर्ट कर देते हैं और डिलीट कर देते हैं। तो क्यू का अगेन जो कंसेप्ट है वो जो हम इंसर्ट करते हैं वो फिर जो पहला इंसर्ट किया होता है वो पहले ही डिलीट होता है, लाइक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो फर्स्ट हम इन कर देते हैं वो फर्स्ट जो है वो उसके बाद डिलीट हो जाता है। अब जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्यू ही करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट का थोड़ा सा आइडिया होना आपको ज़रूरी है, तो अगर कोई आइडिया नहीं है तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है लिंक लिस्ट की सिंगली, उसको आप फॉलो करें, आपको ईजीली क्यू जो है वो समझ आना शुरू हो जाएगा। सो जो मसला था ना वो ये था कि उसमें साइज़ का इशू था, लाइक हम जो लिमिट रखी हुई थी जो हमने साइज़ देना है उसी को हमने इंसर्शन करनी है, उतना डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें यह है कि हमने जितना हमें चाहिए होगा उतना ही हम डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। सो हमने एक क्लास ली हुई है क्यू नाम की, जिसका हमने क्या किया हुआ है, इंट रोल नंबर किया हुआ है, स्ट्रिंग नेम किया हुआ है, इसके अलावा जो है वो हमने नेक्स्ट किया हुआ है, उसको नल से हमने इनिशलाइज़ करा दिया है, और इसके बाद जो है वो स्टार जो है वो हमारे पास एक नल है। तो सबसे पहले हमने मेमोरी में क्या लोकेट होगा, हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, एक मेमोरी लोकेट होगी स्टार्ट की। तो स्टार्ट जो है वो हमने अंदर ही किया हुआ, लेकिन हमारे पास एक ग्लोबल वेरिएबल होता है स्टार्ट, तो स्टार्ट जो है वो हमने सबसे पहले हमने इनिशलाइज़ किया हुआ है नल से। तो मैं बताता चलूँ, सबसे पहले जब हम नोड क्रिएट करते हैं तो तीन स्टेप हमारे दिमाग में होने चाहिए कि हमने क्या करना होता है उसमें। तो सबसे पहले जो हमारा होता है स्टेप वो होता है इंसर्शन का, मेमोरी लोकेट होती है। जब भी कोई नोड बनता है तो क्या होता है उसका मेमोरी लोकेट होती है, तो यहाँ स्टेप जो है वो मेमोरी लोकेट होती है। इसके बाद क्या होती है, इंसर्शन होती है उसमें। दूसरा स्टेप क्या होता है, इंसर्शन एंड थर्ड स्टेप जो होता है वो होता है उसको लिंक करना होता है दूसरे नोड्स के। तो तीसरा स्टेप होता है लिंक। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने हैं हमने वो इनक्यू जो फंक्शन है वो कॉल हुआ, जो फंक्शन कॉल हुआ तो उसमें सबसे पहले क्या कह रहा है कि स्टार्ट इज इक्वल टू नल। क्या स्टार्ट है नल, अगर स्टार्ट नल हुआ, स्टार्ट क्या है नल है, तो कंडीशन ट्रू होगी। कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा क्या बनेगा, सबसे पहले क्या कह रहा है, हमारा एक टी नाम का एक नोड बनेगा जो है जो न्यू मतलब ये कॉल हो रहा है, और यहाँ से हमारा एक नोड बनेगा जिसमें क्या होगा, एक रोल नंबर होगा, हमारा एक नेम होगा और एक नेक्स्ट नाम का एक पॉइंटर होगा। तो क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास एक बॉक्स होगा रोल नंबर का, एक होगा नेम का, इसके अलावा जो होगा एक जो नेक्स्ट जो है वो इसका होगा। इसका जब हमारा एक नोड बनेगा तो उसका कोई ना कोई एड्रेस तो होगा ना, तो एड्रेस जो है वो हमने सपोज किया 100 है इसका। तो सबसे पहले हमने क्या बोला होता, हमारी मेमोरी लोकेट होती है, तो यहाँ से न्यू से क्या हुआ, हमारी मेमोरी लोकेट हो गई है। तो क्या हो गया, इससे क्या हुआ, हमारी मेमोरी लोकेट हो गया। इसके बाद क्या था, इंसर्शन होती है। तो इंसर्शन होती है तो हमने यूज़र ने जो इंसर्शन करनी है वो करेगा, यानी रोल नंबर 1 इसने कर दी है और नेम जो है उसने एली कर दी है, ठीक है। इसके बाद नीचे वाले स्टेप में क्या होता है हमारा के लिंक होता है। इंसर्शन हमारी कंप्लीट हो गई है ना ये वाली, अब हमारा लिंक करना होता है, लिंक करना होता है दूसरे नोड के साथ। तो सबसे पहले एक ही नोड है पहले ही है, तो क्या कहता है, टी का जो नेक्स्ट है टी क्या है 100 का जो नेक्स्ट है 100 का नेक्स्ट क्या है ये वाला जगह, उसको क्या कर दो नल कर दो। तो स्टार्ट इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमने नल कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या रहा है कि टी क्या है ये वाला हमारा नोड है, तो वो उसका जो एड्रेस है वो स्टार्ट में डाल दो। तो स्टार्ट में भी क्या हमारे पास चला जाएगा, यहाँ पर अब हमारे पास चला जाएगा 100। सो 100 हमारे पास यहाँ पर आ गया। फिर दोबारा हम जब इंसर्शन हो गई, हमारा एक नोड क्रिएट हो गया, यानी एक डाटा इंटर हो गया। अब दोबारा जब वो कहता है कि दूसरा डाटा हमने इंटर करना है, तो दोबारा हमारा जो फंक्शन है वो कॉल होगा, फिर कहता है इफ स्टार्ट इज इक्वल टू नल, क्या स्टार्ट में नल है, नहीं, अब तो स्टार्ट में 100 है, एज वाली कंडीशन चलेगी। एज वाली कंडीशन में सबसे पहले क्या कहता हूँ मैं, के नोड क्रिएट होता है। तो यहाँ क्या हुआ, हमारा नोड क्रिएट हो गया। इसको कॉपी किया, इसको कॉपी किया यहाँ से और पेस्ट कर दिया, तो ये हमारा दूसरा नोड जो है वो क्रिएट
हो गया है, इसका कोई ना कोई एड्रेस होता ही है, तो हमारा ये है, इसका एड्रेस ये हो गया, इसका एड्रेस 200 लेट्स सपोज हमने कर लिया, और जो डेटा जो है वो हम नया ऐड ऐड करेंगे। सो अभी क्या हुआ, अभी जो डेटा है वो कहता है पहले मेमोरी लोकेट होती है, मेमोरी लोकेट हो गई है जी। दूसरा क्या कहता है, एक और उसने एक बताया कि बोला है कि उसने एक हमें हमें एक हमारा एक मॉनिटर बनाओ जिसका क्या नाम है, टेम्प, उसका नाम है मेमोरी में लोकेट होगा टेम्प नाम का एक पॉइंटर, और कहता है कि जो स्टार्ट में है वो टेम्प में डाल दो। स्टार्ट में क्या है, 100, 100 जो है वन सॉरी इधर 100 जो है वो टेम्प में जा, 100 जो है टेम्प में चला गया, ठीक है, ये वाली लाइन भी होगी। फिर क्या कह रहा है, इंसर्शन कर दो, इंसर्शन कर दो, इस नोड में इंसर्ट कर दो कोई ना कोई डेटा। तो क्या किया, रोल नंबर 2 कर दिया, रोल नंबर 2 कर दिया, और इसमें डेटा जो है वो इंसर्ट कर दिया जैन। ओके ये दो काम हो गए। फिर क्या कर दिया, फिर किया के दो काम ये कर दिए, इसके बाद कहता है वाइल लूप लगाया उसने, वाइल लूप लगाने के बाद क्या, टेम्प का जो नेक्स्ट है वो नॉट इक्वल टू नल है। अब टेम्प क्या है, टेम्प 100 है, 100 के नोड पे जाओ और उसका नेक्स्ट देखो, उसका नेक्स्ट जो नल है क्या नल नॉट इक्वल टू नल है, कंडीशन फॉल होगी, नल तो नल के इक्वल है, ये वाली ब्लॉक नहीं चलेगा, नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट पे आने के बाद वो कहता है टेम्प का जो नेक्स्ट है, टेम्प का नेक्स्ट क्या है, टेम्प 100, 100 का नेक्स्ट क्या है नल, वो नल जो है वो टी के नेक्स्ट में डालो, टी का नेक्स्ट क्या है, टी जो हमारा नया नोड बना हुआ है उसका नेक्स्ट क्या है, ये वाला इधर डाल दो, तो यहाँ पर क्या चला जाएगा, उसका एड्रेस चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ गया 100, सॉरी नल आ गया, क्योंकि क्या कहता है टेम्प का जो नेक्स्ट है, आई रिपीट टेम्प का जो नेक्स्ट है, टेम्प वाले नोड पे गए उसका नेक्स्ट क्या है नल, वो नल जो है वो क्या कर दो, वो टी जो है हमारा ये पॉइंटर बना हुआ है, नोड बना हुआ है, वो नोड जो है उसके नेक्स्ट में डाल दो, 100 के नेक्स्ट में डाल दो, क्या कहता है टी के नेक्स्ट, टी का नेक्स्ट क्या है ये वाला, ये टी है और इसका नेक्स्ट क्या है ये वाला पॉइंट, उसमें डाल दो, तो हमने ये डाल दिया। नीचे क्या कहता है, टी टी के टी में 200 बराबर, 200 जो है वो टेम के नेक्स्ट में डाल दो। अब टू टेम के नेक्स्ट क्या है, 100, 100 के नोड पे जाओ और उसका नेक्स्ट देखो, तो ये वाला जगह है ना उधर क्या कर दो, 200 डाल दो, तो यहाँ पर क्या चला जाएगा 200। नहीं समझ आई, ठहरो यार समझाता हूँ, नहीं आई यार अभी समझा देता हूँ, कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है, मैं इसलिए अभी समझा देता हूँ दोबारा, अगेन रिपीट। इस लाइन में क्या कहता है, टेम्प का जो नेक्स्ट है, टेम्प ये टेम्प है, टेम्प का नेक्स्ट टेम्प, टेम्प में क्या है, 100, 100 वाले नोड पे जाओ, ये वाला 100 नोड है, इसका एड्रेस क्या है, 100, 100 नोड है, इसका नेक्स्ट क्या है जगह, नेक्स्ट वाली जगह ये है। वो कहता है वो जो है इसमें पहले क्या था नल, वो नल जो है वो क्या कर दो, वो टी के नेक्स्ट में डाल दो। अब टी जो है वो हमारा नया नोड नोड बना हुआ था, उसका नेक्स्ट क्या था ये वाला हिस्सा, उसमें क्या कर, इसमें नल डाल दो, तो ये नल इधर आ गया, ठीक है। फिर नीचे वाली लाइन में क्या कहता है, वो कहता है टी टी है ये है नोड टी वाला, वो नोड का जो एड्रेस है ये क्या है, 200, 200 जो है वो क्या कर दो, टी के नेक्स्ट में डाल दो, सॉरी टेम्प के नेक्स्ट में डाल दो, टेम्प क्या है 100, 100 वाला नोड पे गया, और उसका नेक्स्ट क्या है ये वाला, उसमें ये वाला इसका जो टी का एड्रेस है वो डाल दो, तो यहाँ पर चला गया। तो यहाँ से क्या पता चला आपको, क्या समझ आ रही है, यहाँ से हमारी लिंक लिस्ट हो रही है कि ये जो है ये इसके साथ लिंक कर रहा है, ये वाला नोड इसके साथ लिंक कर रहा है, तो ये हमारा फर्दर प्रोसेस होगा। तो मैंने दो जो है नोड बना दिए हैं, तीन चार जो है वह आपने खुद बनाने, तो हमारा जो है वो इनक्यू वाला जो फंक्शन है वो क्लियर हो जाएगा। सो मैंने जो है वो डिलीट वाला भी साथ रखा है ताकि आपको समझ भी आए कि हमने क्या किया आगे। सो डिलीट वाला जो फंक्शन कॉल हुआ तो क्या हुआ, कंसेप्ट वही है, क्यू में क्या होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो फर्स्ट इन मतलब फर्स्ट कौन सा हमने नोड इंटर किया हुआ था, ये वाला, अबाउट भी क्या होना चाहिए यही वाला, चेक करते हैं होता है, चलें देखते हैं। वॉइड डी क्यू फ्रॉम, यानी फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन कॉल होने के बाद कहता है इफ स्टार्ट इज इक्वल टू नल, क्या स्टार्ट नल है, नहीं जी कोई जो नोड है कंडीशन, यानी कोई नोड नहीं है मतलब स्टार्ट में कुछ है तो इसका मतलब है लिंक लिस्ट में कोई नोड मौजूद है, तो स्टार्ट इज इक्वल टू 0, 100 है ना, तो यानी ट्रू है, फॉल है ये वाली कंडीशन, 100 नॉट इक्वल नल, कंडीशन फॉल, कंडीशन फॉल हो गई, तो एल्स पे आए, एल्स पे आए, एल्स पे आने के बाद वो कहता है स्टार्ट का जो एड्रेस है वो एक हमने डिलीट नॉट नोट का एक पॉइंटर बनाया हुआ है, वो इधर क्या कहता है हमने डिलीट नोड का एक पॉइंटर बनाया हुआ है, नोड
डेल नाम का एक पॉइंटर बनाया, उसमें क्या किया, स्टार्ट में जो था, स्टार्ट में क्या है, 100 100 जो है इधर डाल दो, तो 100 इधर डाल दिया, ठीक है। वो क्या कहता है, अभी नीचे वाले लाइन में देखना क्या कहता है, वो कहता है स्टार्ट का जो नेक्स्ट है, अब 100 का जो नेक्स्ट है, 100 का नेक्स्ट क्या है, 200, 200 है, वो स्टार्ट में डाल दो, स्टार्ट में पहले क्या है 100, अब क्या है, अब क्या चला जाएगा 200, ठीक है। अब जो है वो स्टार्ट में 200 चला गया, ठीक है, और यहाँ से ये हो गया। अब नीचे वाली लाइन में क्या कहता है, नीचे वाली लाइन में कहता है कि डिलीट नोट कर दो। अब डिलीट नोट मतलब 200 में क्या पड़ा हुआ है, 100, 100 वाले एड्रेस पे जाओ, इस नोट पे गए, इस नोट पे जाने के बाद इसको डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया, और क्या बचा, फिर ये वाला ही बचा। तो क्या किया था हमने, पहले जो इंसर्ट किया हुआ था वही हमने पीछे से डिलीट कर दिया। तो इसमें क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका, कंसेप्ट ये क्लियर हुआ कि सबसे पहले हमने इंसर्शन की, तो जो पहला हमने नोट किया था उसी को हमने फिर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट किया, यानी डिलीट भी कर दिया। तो आपका असाइनमेंट ये है कि आपने 5-6 नोट बनाने हैं, इसमें इन क्यू भी करना है, फिर डी क्यू भी करना है, फिर डिस्प्ले भी करना है। तो डिस्प्ले का फंक्शन जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। मैं हमने जो पहले दो फंक्शन कर लिए हैं लिंक लिस्ट में, हमने सिंपल क्यू जो है वो लिंक लिस्ट कर रहे हैं, तो हमने डिस्प्ले अप करना है। सबसे पहले हमने इन क्यू कर दिया है, उसको डी क्यू भी कर दिया, डेटा डिलीट भी कर दिया है और इंसर्ट भी कर दिया। अब जो है वो हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, वही डेटा जो है वो हमने इंसर्ट किया हुआ था, अब डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो उसमें क्या कह रहा है, सबसे पहले वो कहता है कि स्टार्ट इज इक्वल टू नल, स्टार्ट क्या इक्वल टू नल है, नहीं, स्टार्ट में तो 100 पर आवा, कंडीशन फॉल होगी, एल्स वाली चली गई। एल्स वाली चलने के बाद वो कहता है कि स्टार्ट में जो है वो एक टेम्प नाम का पॉइंटर बनाया, उसमें डाल दो। तो टेम्प नाम का हमने मेमरी में एक पॉइंटर बनाया हुआ है, टेम्प नाम का हमारे पास एक पॉइंटर बन जाएगा, उसमें क्या कर दो, 100 डाल दो, 100 चला गया, ठीक है। अब वो कहता है कि वाइल टाइम नॉट इक्वल नल, टाइम 100 है, 100 नॉट इक्वल नल, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू होगी तो क्या करा है, 100 कहता है कि टाइम टाइम क्या है, 100, 100 वाले नोड पे जाओ, 100 वाले नोड पे गए, ये वाला 100 नोड है, और इसको जो डेटा है वो सी आउट कर दो, यानी सी आउट कर दिया, ये जितना भी डेटा होगा ना, वन अली अली और जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। फिर दोबारा लूप पे आए, फिर कहते हैं कि फिर दोबारा इस लाइन पे आए, इस पे कहता है कि टेम्प का जो नेक्स्ट है, टेम्प के नेक्स्ट क्या है, 200, 200 जो है वो टेम्प में डाल दो, टेम्प 100 में 200 चला गया, 200 चला गया। तो फिर कहता है कि टेम्प नॉट इक्वल टू कंडीशन टू, कंडीशन टू हो गई, तो फिर दोबारा क्या है, कर गया कि दूसरे 200 वाले नोड पे जाओ और उसका जो डेटा है वो डिस्प्ले कर दो, तो इधर क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और जैन नाम का एक डिस्प्ले हो जाएगा। सिंपल मैं कह रहा हूँ, अब जल्दी जल्दी, ठीक है, ओके। फिर दोबारा हम जी गए, फिर कहता है वो टाइम, फिर नीचे वो लाइन में कहता है कि टाइम का जो नेक्स्ट है, टाइम का नेक्स्ट क्या है, 200 का नेक्स्ट क्या है, नल नल जो है वो क्या कर दो, टाइम में डाल दो। तो अभी क्या है, टाइम में नल, तो नल इज नॉट इक्वल नल, नहीं, नल तो नल के इक्वल है ना, तो कंडीशन फॉल हो जाएगी, तो जितना भी डेटा है वो हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। ये सिंपल सा था, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।